वहीं यूपी के मथुरा में वृंदावन ब्रज प्रांत में अपने प्रवास के तीसरे दिन बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भगवत ने देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण पर उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जीवन की आवश्यकताओं को मानते हैं, उसमें स्वास्थ्य, अन्न और शिक्षा है, ये सबसे प्रमुख है और इसलिए शिक्षा का केंद्र समाज में प्रारंभ करना ये सर्वासर्वज्ञ की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अत्यंत आवश्यक है कि 11 धर्मों का काम करना जो समाज को उन्नत और आगे ले जा सके, शिक्षा इस कार्य के लिए आवश्यक मानी जा रही है। ने आपको बताया कि बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया है और वहीं मोहन भागवत पहुंचे हैं मथुरा में और वहीं बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही मोहन भागवत मथुरा पहुंचे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया जाएगा और ये पूरा मामला मथुरा यूपी का बताया जा रहा है और वहीं बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा और साथ ही मोहन भागवत पहुंचे हैं मथुरा में। जीवन का अविभाज्य अंग, जीवन की आवश्यकता जो हम मानते हैं उसमें अन्न, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सबसे प्रमुख है और इसलिए विद्यालय शिक्षा का केंद्र समाज में प्रारंभ करना ये सदा सर्वदा सर्वत्र की आवश्यकता है और उसको पूर्ण करना एक अत्यंत समाज उपयोगी यानी धर्म का काम है। धर्म धर्म हम कहते हैं वो पूजा भी नहीं होता, वो समाज को जोड़ने में, समाज को उन्नत करने में, समाज को आगे ले जाने में होता है और शिक्षा इस कार्य के लिए आवश्यक संस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।